मामा जी, मैं ये सोच रहा था कि कल ईद का आखिरी दिन है, पापा की भी आखिरी छुट्टी है, और जब से मेरे एग्जाम ख़त्म हुए हैं हम कहीं जा भी नहीं सके। लाहौर से कज़न भी आ रहे हैं, तो कल पिकनिक के लिए हम कहीं चलें। गुड, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तो खुद सोच रही थी कि कहीं ना कहीं आउटिंग होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, कल जा सकेंगे? आप फ्री हैं? जी बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह, कहाँ जाना चाहते हैं आपको? मेरा तो ये ख्याल है कि मरी की साइड पर ही चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा होता है आजकल के दिनों में खासकर। गुड आइडिया, गुड आइडिया। ठीक है, क्लाउडी वेदर होता है, चलो ठीक है, कर लें, आप लोग तैयारी कर लें। लेकिन ये है कि इन दिनों रश काफ़ी होता है, तो फिर अगर रश हुआ तो फिर हम रास्ते में डिसाइड कर लेंगे कि किस पर जाना, किस पॉइंट पे जाना है। रश अगर ज़्यादा रश हुआ तो हम कहीं और चले जाएंगे। ठीक, चले, ठीक है, फिर तैयारी करें, फिर इंशाल्लाह निकलेंगे तो लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। मरी मुझे बहुत ही पसंद है। मरी एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर चीड़ के दरख्त भी मौजूद हैं। मरी का वेदर बहुत ही खूबसूरत है, ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में यहाँ का वेदर क्लाउडी होता है और बादल पहाड़ों पर उतरे होते हैं। मुझे बादलों में घूमना बहुत पसंद है, यह वेदर और भी ज़्यादा खुशगवार होता है। आई विश के इस बार भी ये वेदर हमें मिले और मैं इसे इंजॉय कर सकूं। मरी के सफ़र के लिए मैं अपनी वाइट केन के साथ जा रहा हूं। आज मौसम भी बहुत खुशगवार है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैं अपनी पसंदीदा जगह पर जा रहा हूं। मेरे भाई और कज़न भी मेरे साथ हैं। आज हम बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। हमारा सफ़र जारी है, हर तरफ पहाड़ और सब्ज़ा है। इस मौसम में तो वैसे ही सब्ज़ा बहुत ज़्यादा होता है। बारिश की वजह से हर जगह धुली धुली नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत हवा चल रही है और मौसम बहुत खुशगवार है। हम काफ़ी सफ़र तय कर चुके हैं। इस वक्त हमने एक जगह पर स्टे किया है जो कि लकोट के नाम से मशहूर है। यहाँ पर अक्सर लोग ठहरते हैं और इन्जॉय करते हैं। रोड के साथ साथ रेस्टोरेंट्स भी हैं, मगर हम वहाँ नहीं गए। हम पहाड़ पर चढ़कर ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। मैं अपने भाई और कज़न के साथ इन्जॉय कर रहा हूँ। दिल कर रहा है यहीं पर ठहरें, बहुत अच्छी यहाँ पर हवा चल रही है, बहुत ही खुशगवार मौसम है। तो हमें यहाँ पर एक चश्मे के बारे में पता चला था, अब हम उसका पानी पी रहे हैं और ये पानी बहुत ही ठंडा, मीठा और लजीज है। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आपका कभी यहाँ आने का इत्तेफाक हो तो इस चश्मे का पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की दी गई नेमतें हैं और हमें इन्हें इंजॉय करना चाहिए। और ये एक छोटा सा चश्मा है, इसके साथ एक खूबसूरत बागीचा भी है, तो आए और ज़रूर इंजॉय करें। इस्लामाबाद में पिज़्ज़ा हट पर लजीज पिज़्ज़ा खाया। अल्लाह के फजल से घर वापस आ गए हैं। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत इन्जॉय किया। वापस आने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर वापस तो आना ही होता है। स्पेशल थैंक्स टू मामा, पापा एंड माय डियर ब्रदर्स
यही कहना चाहूँगा जो मैम राबेल अक्सर कहा करती हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी गुजारने के लिए आँखों की नहीं खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।